वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और उद्धव सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लक्षण महसूस होने पर वो घर पर होम क्वारंटाइन कर रहे थे। फिलहाल नांदेड़ के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही उन्हें मुंबई बुला लिया जाएगा, जहां उनका इलाज होगा। चौहान महाराष्ट्र की भोकर विधानसभा सीट से विधायक हैं। आपको बता दें कि अशोक चौहान उद्धव कैबिनेट के दूसरे मंत्री हैं जिन्हें कोरोना हुआ है। इससे पहले अप्रैल में महाराष्ट्र के आवास मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड़ की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। निमोनिया की शिकायत के चलते मंत्री को ठाणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आवास मंत्री के संपर्क में रहे सुरक्षा कर्मियों समेत 18 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। मंत्री पहले होम क्वारंटाइन कर रहे थे और उनकी रिपोर्ट उस समय निगेटिव आई थी। एनसीपी चीफ शरद पवार के खास माने जाने वाले जितेंद्र ठाणे की कालवा मुंब्रा सीट से विधायक हैं। उन्होंने कोरोना को मात दे दी है और ठीक होकर घर लौट गए हैं। अप्रैल महीने में ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के पास एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसकी चाय की एक टपरी थी। इसके बाद एहतियातन सीएम हाउस की सुरक्षा में आसपास तैनात 170 सुरक्षा बलों के जवानों को हटा दिया गया था और क्वारंटाइन करने को कहा गया था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में रविवार को कोविड-19 के 3,041 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 50,231 हो गई। राज्य में नए मामलों की यह संख्या किसी एक दिन का उच्चतम स्तर है। अधिकारी ने बताया कि महामारी के कारण 58 और लोगों के मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1635 हो गई है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां दिन है जब राज्य में कोरोना वायरस के 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 14,600 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि अभी 33,988 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में कोरोना वायरस के लिए अब तक 3,62,862 लोगों की जांच की गई है। पिछले 24 घंटे में सामने आए नए मरीजों में 87 पुलिसकर्मी हैं। राज्य में 4,85,623 लोगों को घरों में और 33,545 लोगों को अन्य स्थानों पर क्वारंटाइन किया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।